हम सभी इंसान हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, और इसका हर चीज़ का तो कोई ना कोई हल होता ही है ना। तो आज आपके साथ मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि जिन्हें फॉलो कर आप 100% बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारेंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें बताऊँगी, लेकिन मेक श्योर कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और मैं गारंटीज़ के साथ कहती हूँ कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगी। नंबर वन, इग्नोर नेगेटिव पीपल। अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव पीपल को रिमूव कर दें। रिमूव आपने इस तरह से करना है कि उन्हें इग्नोर करना है। अगर आप उन्हें बिल्कुल छोड़ सकते हैं तो आप उन्हें छोड़ दें, लेकिन अगर आपका रिश्ता बहुत करीबी है कि आप उन्हें छोड़ नहीं सकते तो उन्हें इग्नोर करना सीखिए। जैसे लोग जिनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको नीचा दिखाएं, या आपको टॉन्ट करें, या दूसरों के सामने आपकी इंसल्ट करें, ऐसे लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अज़ियत का बाइस बनते हैं, और मोस्टली इन्हीं लोगों की वजह से आप लोग डिप्रेशन में जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका घर भी सारा ख़राब हो जाता है, आपका रवैया बहुत तल्ख हो जाता है, जिसकी वजह से आपके घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। इन लोगों की तो कोशिश ही ये होती है कि आपको अज़ियत दे सकें, लेकिन यहाँ पर आपने अपने जहन को इस्तेमाल करना है और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है और इन लोगों से दूर रहना है। सबसे पहले तो आपने उनकी बात का जवाब ही नहीं देना, और अगर जवाब देना भी पड़ा तो बहुत हंसकर, मुस्कुराकर और पॉजिटिव वे में इनका जवाब दें। फिर उन्हें समझ आएगी कि हम तो इसको परेशान करना चाह रहे थे या गुस्सा दिलाना चाह रहे थे, लेकिन इससे तो गुस्सा किया ही नहीं, इससे बेहतर इन लोगों का कोई हल नहीं। मैं मिल्क शेक बनाने के लिए फ्रूट को इस तरह से पहले से ही काट कर 1 वीक के लिए फ्रीज कर लेती हूँ। अब आप चाहें तो इसके अलग अलग पैकेट्स बना लें, या इकट्ठा ही एक पैकेट में सब कुछ डाल दें और जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उसमें इस्तेमाल कर लें। ऐसे बहुत ही इजी लगता है, बार बार उसको काटना छीलना ये झंझट से जान छूट जाती है। स्टेप नंबर 2, सेल्फ केयर। यहाँ पर आपको अपनी खुद की केयर करनी है। कोई नहीं है जो आपसे पूछेगा कि क्या आपने अपनी केयर की, क्या आपने अपने लिए कुछ टाइम निकाला। अगर आप सिर्फ घर के कामों में ही उलझी रहेंगी ना, तो आपकी अपनी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और जिसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में जाएंगी, और आपके नाखुश होने के लिए यही वजह काफ़ी है कि आप अब पहले के जैसी नहीं दिखती। इसलिए आपको अपनी केयर ज़रूर करनी है, अपनी स्किन की केयर करनी है, अपने बालों की केयर करनी है, और अपने पहनने ओढ़ने का भी ख्याल रखना है। आपने अपनी स्किन के लिए कोई ना कोई रेमेडी यूज़ करते रहना है, चाहे वीक में 1 टाइम ही करें, लेकिन आप ज़रूर करें। अपने डेली रूटीन में अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, चाहे 5 मिनट रोज़ के निकालें, लेकिन लाजमी निकालिए। इससे देखना कि आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी। जब आप खूबसूरत दिखने लगेंगी तो आपको हर काम करना अच्छा लगेगा और आप खुश रहने लगेंगी। स्टेप नंबर 3, वेकअप अर्ली, यानी कि सुबह जल्दी उठना। जल्दी उठने की रूटीन आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा सुकून लाती है ना, कि ये जब आप करने लगेंगे ना, फिर आपको इसकी समझ आएगी। मैं जब कभी जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी सारे काम भी हो रहे हैं, और मुझे फ्री टाइम बहुत मिल जाता है, जिसमें मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, अपनी स्किन की केयर कर सकती हूँ, या अपने पसंद का काम कर सकती हूँ। जब लेट सोकर उठे तो ऐसे लगता है कि बस हमारे पास तो टाइम ही नहीं, और हम सारा दिन बहुत बिजी रहे। हालाँकि ऐसा नहीं होता, हमारे पास टाइम होता है जो कि हम सोने में गुजार देते हैं। स्टेप नंबर 4, फॉरगेट योर पास्ट, यानी कि जो आपके पास्ट में हो चुका उसको भूल जाइए। वो वक्त, वो ज़माना और वो सब कुछ और था, और अब वक्त भी और है, वो ज़माना भी और है, लोग भी हो रहे हैं, और सब कुछ चेंज हो गया। इसलिए देखा गया है कि वही लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि जो लोग अपने पास्ट को ही याद करते रहते हैं कि काश मैं फलाने वक्त पर ऐसा कर लेता तो अब ऐसा ना होता, या वो मेरा वक्त बहुत अच्छा था और अब वक्त अच्छा नहीं, काश मैं उस वक्त ऐसे कर लेता तो ऐसा हो जाता। लेकिन इस तरह करने से आपको सिवाय अज़ियत के और कुछ नहीं मिल सकता। और बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने पास्ट को भूल जाएँ, लेकिन वो भुला नहीं पाते। कोशिश के बावजूद भी जब आप ना भुला पाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी में अस्तगफार की कसरत करें। अस्तगफार अस्तगफार का विर्द करते रहें। इससे देखिएगा कि आपके दिल को कितना सुकून और राहत मिलेगी, और पास्ट भी आपसे दूर होता जाएगा इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 5,
वॉक डेली। अपनी रूटीन में शामिल करें कि आप डेली वॉक करें। आप जैसे ही वॉक करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके जहन से सारी फिक्रें दूर होती चली जाएंगी, आपकी सारी परेशानियां कम होती जाएंगी और आप अपने आप को ऐसा रिलैक्स और पुरसकून और बहुत कूल और काम महसूस करने लगेंगे। मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है जब मैं घर में रह कर थक जाती हूँ या मैं परेशान होने लगती हूँ, तो मैं क्या अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे बाहर ले जाएं। मैं बाहर वॉक के लिए चली जाती हूँ और उससे मुझे इतना रिलैक्स फील होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि वॉक करने को दिल नहीं भी चाहता, लेकिन आप बाहर ठंडी हवा में ज़रूर जाएं, किसी पार्क में जाएं, आउटिंग के लिए जाएं, जहां जाकर आप अपने आप को सुकून दे सकें। यहां मैं बना रही थी अचारी दाल। दाल मैं बहुत कम बनाती हूं, लेकिन अचारी दाल मेरा बनाने को दिल चाहा तो मैंने वो बनाई और ट्राई की, तो सच में उसका इतना अच्छा टेस्ट था। इसके लिए मैंने मिर्चों के बीच अचार भरा। अचार मेरे पास पड़ा हुआ था, आप इसमें दूसरे स्पाइसेस भी अचार वाले भी मिक्स करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अचार था तो मैंने इन मिर्चों में अचार ही डाल लिया और उससे इतना अच्छा और डिफरेंट फ्लेवर आया। वैसे दाल में अचार डालें तो उसका फ्लेवर और होता है, लेकिन इस तरीके से दाल बनाएं मिर्चों में के बीच अचार डालकर, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लजीज फ्लेवर बना इसे। हैप्पी और स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए स्टेप नंबर 6, टेक अ ब्रेक डेली। आपने अपने कामों के बीच थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेनी है। जैसा कि सुबह उठते ही हमारी नाश्ते की ड्यूटी शुरू हो जाती है, तो नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद बच्चों को नाश्ता करवा लिया, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर ब्रेक लूँ। 10 मिनट 15 मिनट में अपने आप को ज़रूर देती हूँ, उसमें चाहे मैं मोबाइल देख लूँ या कोशिश यही करती हूँ कि कोई तिलावत लगा कर उसे सुन लूँ और उसे सुकून से और बहुत इत्मीनान से सुनूँ। इसी तरह दिन के बाकी कामों में भी थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए, जैसा कि अगर आप खाना बनाकर फ्री हुई तो उसके बाद आप थोड़ी देर लेटें। इसके अलावा दोपहर के खाने के बाद ज़रूर थोड़ी देर लेटें, बच्चों को साथ लेकर कोशिश करें कि सो जाएं। सोने से आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, आपका जहन बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। अगर आप सो नहीं सकती या टाइम कम है या सो नहीं पा रही, या आप लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दोपहर में नींद नहीं आती तो वो नहीं हो पा रहा, तो आप लेट ज़रूर जाइए, थोड़ी देर आंखें बंद करके ख़ुद को रिलैक्स करें। इसके अलावा ब्रेक आप इस तरह से भी ले सकती हैं कि जैसे डेली हमें खाना बनाना पड़ता है और समटाइम ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता है। मोस्टली गर्मियों में तो दिल चाहता है कि काश कोई तो दिन हो जिस दिन हम लोग खाना ना बनाएं। मैं उसके लिए ऐसा करती हूं कि कभी कबाब बना लेती हूं, कभी कटलेट्स बना लेती हूं और वो फ्रीज किए होते हैं, और जिस दिन मेरा दिल चाहता है ना कि आज मैं खाने की ब्रेक लूँ, तो उस दिन बस मैं वो फ्राई कर लेती हूँ और साथ खाली रायता ही बनता है और उसमें सिर्फ मुझे रोटी बनानी पड़ती है, सालन वगैरह का कोई झंझट नहीं होता। और उस दिन मैं ख़ुद को इतना इजी और रिलैक्स फील कर रही होती हूँ कि आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 7, अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र हमारी ज़िंदगी को बहुत पुरसकून बनाता है। आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, फिर आपको इस बात की समझ आएगी कि मैंने आपसे क्या कहा। अल्लाह के जिक्र को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कीजिए। सबसे पहले कोशिश करें कि जब आप सुबह उठते हैं तो ख़ुद भी कुरान पाक, कोशिश तो करनी चाहिए कि हम लोग डेली कुरान पाक पढ़ें। अगर हम नहीं पढ़ पा रहे तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम बिल्कुल पढ़ें ही ना, हम या तो मोबाइल में या टीवी में उसको लगा कर सुन लें, तलावत सुन लें। मैं तो यही करती हूँ। कुछ लोगों को, हर एक की अपनी अपनी फीलिंग होती है, जैसे कुछ लोगों को सूरह रहमान सुनना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग सूरह बकरा लगाते हैं। मैं डेली अपने घर में अल रुकिया की तलावत लगाती हूँ, मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ये तलावत मैं तब ऑन करूँ कि जब मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी घर में होते हैं, यानी कि बच्चे भी इस तलावत को सुने, हस्बैंड भी सुने और हम सब सुनते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि हस्बैंड घर पर नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी तलावत लगाने की कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली इसको सुनो। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी से डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं तो आप कुछ ना करें, आप बस अपने घर में अल रुकिया की तलावत लगा लीजिए, उससे देखिएगा कि आपके दिल को बहुत सुकून और राहत महसूस होगी। स्टेप नंबर 8, लोगों की परवाह करना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। मैंने ऐसा कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने ये पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे। हम लोग मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। अगर हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे ना अपने पहनने ओढ़ने में, तो हमें किसी चीज़ की शर्मिंदगी महसूस होनी भी नहीं चाहिए। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हुआ तो फलाना क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा नहीं सोचिए। अगर हम लोग दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, तो बस फिर हम यही सोचते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोशिश
करें कि अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जिए और पॉजिटिव वे में जिए, अपनी लिमिट्स में रह कर जिए। मसला वहाँ होता है कि जब लिमिट्स क्रॉस होती हैं। स्टेप नंबर 9, अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको बिला वजह तंग कर रहे हैं, वो या तो उम्र में आपसे बड़े हैं, और ये बात जॉइंट फैमिली के लिए भी हो रही है कि अगर आपकी सास हैं, आपकी जिठानी हैं, या कोई ऐसा रिश्ता है कि जो उम्र में भी आपसे बड़ा है, या ऐसा रिश्ता कि जिसको आप कुछ भी नहीं कह सकती, या आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या वो आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, या उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लेकिन आप उसको अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकती, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ये विर्द करना है। इसका मतलब आपको पता है क्या है, कि नहीं है कोई ताकत अल्लाह के सिवा, कि अल्लाह से बड़ा तो नहीं है ना वो इंसान जो आपको तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है। आप बस अल्लाह से मदद मांगिए। जब भी आपको उसकी वजह से परेशानी हो, जब भी वो आपको कुछ कहे, आप बग़ैर उसको कोई जवाब देने के आप अपने दिल ही दिल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ज़रूर पढ़िए। इससे देखिए कि आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी को आसान करेंगे और उस इंसान की परेशानी को आपसे दूर करेंगे। अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना चाह रहा है, तो उसका आपकी लाइफ में कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि असर करने वाला ज़ात तो वो खुदा की ज़ात है ना, वो इंसान थोड़ी आपकी लाइफ को तबाह करेगा। तो आपने बस ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का विर्द ज़रूर करना है। इससे देखिएगा कि वो इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा बच्चों को संभाल कर घर के काम करने से औरतें बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप डॉक्टर से पूछ के कोई मल्टी विटामिन्स लेने शुरू कर दीजिए। इन्हें भी अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि उससे आपको थकावट ना हो और आप बहुत एक्टिव रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।